मैं मौलाना मकबूल साहब के साथ हूँ, मौलाना गोट फार्म पे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। सलाम फैज भाई, कांग्रेचुलेशंस मौलाना साहब, आपने एक फार्म खोला है, घर जैसी फीलिंग आ रही है। बहुत हाइजीनिक है और हर तरह के जानवर मिलेंगे। कुत्ते हैं हमारे पास, बकरे हैं और मेंढे हैं, घोड़ी है, घोड़ी पोनी हॉर्स है, टट्टू है, ये टट्टू, हाँ टट्टू 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 घोड़ी है। हाँ। अभी ये कहाँ से ले लिया आपने? और ये एक बॉम्बे में एक सेल करने वाले थे, उनसे हाँ। मैंने ये परचेस की है और इसका नाम रखा सुल्ताना। सुल्ताना, हाँ। ये जो मिनिएचर हॉर्स होते हैं, मिनिएचर हॉर्स है जी। तो ये कौन सी नस्ल है, कुछ पता है इसके बारे में? नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, खाली मुझे शौक था तो मैं इसको ले आया। पहली बार पाल रहे हो? घोड़ा फर्स्ट टाइम। अब इंशाल्लाह कुछ सीख जाएंगे, इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह कुछ लेके आएंगे। अच्छा, नियत ये है, घोड़े पालने और बकरे पालने में फर्क बताइए क्या है इनका? ये बहुत फर्क है, इनका मिजाज और बकरे का मिजाज, इनका खाना भी अलग है। आपने कुछ कहा था कि पहली मर्तबा मैं गया तो काटने लग गई थी। हाँ, फर्स्ट टाइम जब आई थी ये, तो ये फर्स्ट डे ठीक थी, थकावट दूर हुई इसकी, तो ये नेक्स्ट डे तो ये काटने को आ रही थी, पैर मारने को आ रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई, अभी माशाल्लाह अब प्यार करने देती है, सब में जाती है। जो घोड़े घोड़ी होती है, मैं मेले में जाता हूँ तो टांग पे वो लोग रस्सी बांध के रखते हैं। नहीं, फर्स्ट डे पहले मार रही थी, पहले मार रही थी, टांग मार रही थी। हाँ, टांग मार रही थी, काट रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाल्लाह ना टांग मारती है ना काटती है। तो जनरली घोड़े के पीछे जाना नहीं चाहिए ना? जाना नहीं चाहिए, घोड़े की तरफ कभी सामने से जाओ, सामने पीछे से हाँ ये मार देती, इतना मैंने सुना पालने वालों से। पर ये तो जाती है बाहर, हाँ, बाहर जाती है सामने नहर में, पानी का बहता है, पहाड़ का पानी आता है वहाँ से, पीछे से उसमें जाके नहाती है, उसमें बहुत शौक है और रोल करती, फिर रोल करेगी अपना फिर गंदी कर लेती है। बट इनके लिए एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है, कितना हाँ। किलोमीटर आप दौड़ा लेते हैं उसमें? मैं तो दौड़ा नहीं भाई, लेके आता रोहित, लेके आता है बाहर घुमाने के लिए, और ये लेके आता है। खाने में क्या देते हैं? खाने में इसको चुन्नी देते हैं, कुट्टी देते हैं और अपना गेहूं का भूसा देते हैं। तो रहती है खूटे से बंद रहती है? हाँ, इधर ही बनती है। ये नीचे चूना जो है आप मौलाना साहब बकरों में भी डालते हो? हाँ, ये चूना और यहाँ पर भी डालते हो? हाँ। और क्या इससे ये कीड़े वगैरह जो पिस्सू वगैरह होते हैं वो नहीं होते हैं और इन्हें साफ सूख जाता है, जब पेशाब वगैरह करते तो चूना को चूस लेता है। जैसे ज्यादा गंदा होता है तो उनको गीला, और अभी इसको तो वही जगह बैठना पड़ रहा है? नहीं, साफ करते ना, दो तीन बार साफ करते हैं, नहीं मिट्टी वगैरह नहीं, बस इसमें चूना मारते रहते हैं इसके। ओके ओके, नाम है सुल्ताना। अभी तो ये फिलहाल प्रेग्नेंट है 5 महीने की। हाँ, जिनसे लिया है उन्होंने कहा कि 5 महीने की गाबन है। ओके। अब इनका जो पीरियड होता है वो 11 महीने का होता है। 11 महीने का होता है। 11 महीने। अभी छोटी जात इसका मालूम नहीं, 10 महीने का क्या है, मैंने जगह पढ़ा था तो किसी बताया कि पोनी का जो है 10 महीने का होता है। जो भी ऐसे सीख जाएंगे फिर इंशाल्लाह बड़ा घोड़ा लेके आए। बड़ी 5 साल की है ना? 5 साल। 5 साल की है घोड़ी। और कितने में लिए? ये मैंने तो बहुत दोस्ती खाते में बहुत देने इसको रीजनेबल रेट में ले लिए। क्या रीजनेबल रेट में? बहुत रीजनेबल रेट में उसको बताऊंगा तो फिर क्या कि हमने जो कारोबार करते हैं उनका कारोबारी मामला देने खराब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको एक एवरेज में दे दूं यानी कि आपको ये 10,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक आ जाती है। अच्छा, 10,000 से आ जाती है आपको? 10,000 से 50,000 तक आ जाती है, ऐसा बोलने का मतलब नहीं कि मैंने कितने में लिया। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो बैठे हैं ये हमारे हिजाजी ब्रीड किंग बहरीन के हमारे नदीम भाई हमारे चैनल से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। नहीं माशाल्लाह, वहाँ से वीडियो बना के भेजते हैं, बहुत पुराना ताल्लुकात है नदीम भाई से माशाल्लाह, और ये बहुत हमारी पुरानी दोस्ती है माशाल्लाह, आज की नहीं कई सालों पुरानी। नदीम भाई से माशाल्लाह, हमारे सोहेल भाई से माशाल्लाह, हमने साथ में ये लोग आए माशाल्लाह आज, और नदीम भाई हिजाजी ब्रीड इंडिया में अभी कोशिश तो कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मे बी लाइक इंडिया में इम्पोर्टेड सानेन आ जाते हैं, अल्पाइन आ जाते हैं, तो हिजाजी में क्या प्रॉब्लम? तो मैं मतलब लीगली जो प्रोसेस था वो सब मैंने किया था, लंबा प्रोसेस है। हाँ, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में कैंसिल हुआ है, तो इंशाल्लाह वापस से मैं ट्राई करके देखूंगा, अभी इसके बाद में पता चलेगा अभी, क्योंकि लास्ट टाइम जो कैंसिल हुआ उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया वो लोगों ने। अच्छा, बहुत से लोगों ने सवाल पूछा, आप जो वीडियो बनाते हो बहरीन में, वो बहरीन में कहाँ, लोकेशन हमेशा आप देते नहीं हो, बहरीन में कहाँ पे अगर किसी को आपका फार्म विजिट करना है तो? एक्चुअली मैं किसी को नहीं, मैं मेरा फार्म है सनत के अंदर। ओके। और मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ मेरे बकरे, जनरली जो लेने आता है मेरे पास या कोई। तो आप बेचते हो वहाँ पे? बेचता भी नहीं हूँ मैं, लाइक कभी कभी कोई मेरे से मतलब जिद करके ले लेता है, जिद करके कि अभी कोई बच्चा होगा तो मुझे ही देना। तो इंडियन करेंसी के हिसाब से कितने का आ जाता है वहाँ पे एक हिजाजी बच्चा? वहाँ पर लाइक मैं बच्चे बेचता हूँ तो वो 2 लाख के ऊपर में बच्चे बेचता हूँ मैं, 3 महीने के बच्चे। इज दैट नॉर्मल वहाँ पे क्या वो एक्सपेंसिव ब्रीड है? वो एक्सपेंसिव है क्योंकि मेरे पास जो मेल ब्रीडर है लास्ट टाइम जो वीडियो में था तो वो अभी फिलहाल बहरीन का सबसे टॉप क्वालिटी का ब्रीडर है, और मेरे पास ज़्यादा बकरे भी नहीं है, कम बकरे हैं, 10 बकरे के करीब रहेंगे, बट सब टॉप ऑफ द लाइन है। अदरवाइज नॉर्मली वहाँ पे बकरे कितने के आ जाते हैं कुर्बानी के? कुर्बानी के बकरे बहुत सस्ते आते हैं, जो इंडिया में प्राइस है वही प्राइस में वहाँ पर आ जाते हैं बकरे।
इंडियन बकरे वहाँ पर मिलते हैं? इंडियन बकरे नहीं मिलते वहाँ पर, सोमाली मिलते हैं। ओके। और फिर मतलब वो साउथ अफ्रीका की ब्रीड है वो सब मिलती है, बोर को छोड़ के। वो जो शोज वगैरह होते हैं अरब कंट्रीज में हम देखते हैं, हाँ, लंबे, हाँ, लंबे बाल वाले, वो बकरे, हाँ, कहाँ के, वो नहीं पालते वहाँ? वो भी है वहाँ पर, नईमी वगैरह, बट वो क्या बोलते हैं वो बकरे? नईमी बोलते हैं, नईमी, हाँ, लॉन्ग हेयर कश्मीरी जैसा होता है, हाँ हाँ, अर्दी बोलते हैं, नईमी बोलते हैं, बट वो इतने एक्सपेंसिव नहीं है कम्पेयर टू हिजाज़ी। हिजाज़ी लाइक एंड है गोट्स के अंदर, उससे आगे कोई मतलब ब्रीड महंगी बिकती नहीं है। उनके कान ही लाजवाब है, हाँ, मेन उसके कान, और लाइक उसकी बॉडी स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो सोजत का जो प्योर क्वालिटी के जो बड़े बकरे होते हैं ना, तो वो लोग की बॉडी लाइन रहती है पूरी। कंटिन्यू योर शौक और भाई की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बाप बोला जाता हूँ मैं कि आज जो लोग आए ना यहाँ पे फार्म पे, तो ये मोहब्बत है फहद भाई। आज सोहेल भाई, नदीम भाई जो आए ना, आज असल में मेरी यानी अभी मेरा यानी कुछ काम चालू था फार्म पे, तो मैंने ओपनिंग नहीं की थी। मैंने कहा सेट हो जाएगा पूरा इंशाल्लाह, उसके बाद एक ओपनिंग करूँगा और अपने जो खास खास लोग उनको बुलाऊँगा। लेकिन ये मोहब्बत है कि हम लोग बस रास्ते में मुलाकात की, आने के लिए मैं आपको रिसीव करने के लिए आया था और ये रास्ते में मिले, तो ये बस के किधर जा रहे थे, मतलब फार्म पे हम लोग भी आ रहे हैं, तो ये एक अपनापन है, मोहब्बत है, और बस अल्लाह पाक ये मोहब्बत को सलामत रखे और कायम रखे, और बस हमारे यही ग्रुप। मकबूल मौलाना को तो लाइक मैं पहचान बोले तो मैं जब स्कूल टाइम से था तभी से लाइक एक दो बकरे चार बकरे पालते थे मस्जिद के बाहर, तभी से मैं मतलब और साथ में ही रहना है, जब भी बहरीन से आओ या कुछ भी हो तो मुलाकात तो होना ही होना है। दैट इज मीन मौलाना इज वेरी ओल्ड ना मौलाना, ये स्कूल में थे आप तब से पाल लो? स्कूल लाइक हम लोग तो बहुत छोटे हैं, लाइक काफी छोटे, हाँ, मेरे को स्कूलिंग छोड़ के कुछ उम्र में नदीम भाई छोटे 2009 में मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई है। ओके, आप भी मीरा रोड के रहने वाले? हाँ, मीरा रोड के रहने वाले, तो स्टार्ट से मतलब मकबूल मौलाना को बकरे रखते हुए देखे और साथ में बैठना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी फार्म पे है तो मकबूल मौलाना को बहुत बहुत मुबारक हो। और फार्म में भी मतलब लाइक हर चीज़ है यहाँ पर, लाइक एक ड्रीम रहता है कि एक छोटा सा फार्म हो अपना, लाइक उस हिसाब से देखा जाए तो उसमें 100% लाइक हर छोटी से चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ इधर रखी हुई है। मौलाना साहब अभी हम ह्यूमिडिटी में स्वेट कर रहे हैं, लेकिन ठंड में तो अलग ही माहौल होता होगा ना यहाँ पे, मज़ा आ जाएगी। बस वही है, एक बचपन एक पोएम पढ़ते थे कि ओल्ड मैकडोनल्ड हेड्स ए फार्म, इसमें फार्म में फार्म का मकसद क्या है ना फहद भाई, कि फार्म में बहुत कुछ होता है, यानी इसमें कुत्ते भी हों, घोड़े भी हों, कबूतर भी हों, मुर्गियाँ भी हों। तो मेरा कॉन्सेप्ट था कि फार्म को, तो मैं भी आज भी अपने जबान से बोलता हूँ कि मैं इसको फार्म तस्लीम नहीं कर रहा हूँ। इट्स मोर लाइक योर पर्सनल फार्म हाउस, एक छोटा सेटअप है, इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर चला दिया तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह एक बड़ा फार्म हाउस खोलेंगे, इसको फार्म हाउस प्रॉपर बोलते हैं, और मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि फार्म हाउस किसको बोलते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने जाना। अल्लाह आपको कामयाब करे, ठीक है, पलाई पे रखना है ना। अगर वीडियो काफी लंबी हो गई है, नहीं नहीं 5 मिनट हुआ, 5 बोलेंगे तो अच्छी बात है इंशाल्लाह। आमीन यार मौलाना, आपका फार्म हो जाएगा जल्दी, आपका ड्रीम है, आपका ड्रीम था और आपने ये छोटा सा भी किया तो बहुत क्यूट है और बहुत अच्छा लगा मेरे को, अल्लाह आपको बड़ा भी जल्द से जल्द करवा दे। सोहेल साहब, डॉक्टर सोहेल साहब, कोई नया फार्म खोलता है कोई एडवाइस कि बकरे बीमार ना पड़े या बीमारी से बचने के लिए कोई एडवाइस? फहद भाई, बकरों के वैक्सीन कंप्लीट हो और उनको जो एंटीबायोटिक डोज लगते बाहर से आने के बाद में, और नॉर्मल टेम्परेचर होता है जानवर का, तो फट से उसको एंटीबायोटिक वगैरह मार के क्लियर कर ले, इंतज़ार ना करें कि और ज़्यादा हो जाएगा उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उतना वेट करोगे तो उसकी बीमारी स्प्रेड भी होगी, दूसरों को भी होगी और उसको ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, तो उसके मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, ये लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, ट्रेडिंग और पलाई के एक साथ कर सकते हैं लोग? कर सकते फहद भाई, लेकिन ट्रेडिंग के लिए जो नए नए बकरे आते हैं तो वो पलाई के बकरों को थोड़ा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे? फहद भाई देखो, वो किसके लिए प्रॉब्लम है, जो एक्सपीरियंस नहीं रखता है जानवर के रिगार्डिंग, फार्म के रिगार्डिंग। अभी ये तो जो फार्म बना रहे ये लोग सब बहुत पुराने लोग हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको, तो इनको क्या प्रॉब्लम आएंगी, ये ट्रेडिंग भी करेंगे, पलाई भी करेंगे, और दूसरा वैक्सीन वगैरह सब जानते खुद और इंजेक्शन वगैरह मार लेते, तो इनको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और मकबूल मौलाना का मेरा जहाँ तक के कहना है, इतने पुराने बकरे पालने में कि उनकी एक नज़र ही बकरों की बीमारी पहचान लेंगे, मतलब बकरे को देखें और उसकी बीमारी को पहचान लेंगे, तो मतलब इनके यहाँ पर पलाई पर देना और भी मतलब बहुत फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि इनको पता है बकरे मतलब कैसे पाले जाते हैं, तो बकरी में क्या कमियां होती है और क्या नहीं होती है, उनको देखने से पता चल जाता है। और एक मैं हर वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप कोई ये वीडियो जब जा रही है तो उसके आसपास अगर आप बकरे देते हो तो फर्स्ट मंथ पलाई जो है वो फ्री है, फ्री प्रोवाइडेड आप 3 महीने की पलाई अंडुल का जो है 3,500 है,
खस्सी का 3,000 खस्सी का 2,500 आई एम सॉरी खस्सी का 2,500 है, मेंढो का 3,000 है, बकरियों का 3,000 मेंढो का 3,000 बकरियों का 2,500 ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।